गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ईवीएस का भी मिड टर्म में जो मिड टर्म टू होगा आईपी यूनिवर्सिटी से ही पेपर आएगा बच्चों, तो उसमें आप लोगों को यूनिट थ्री या यूनिट फोर में क्या क्या पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बता देती हूँ। और जहाँ जहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे नंबर फर्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लेना, उसके देयर गोल्स, अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन में रेड वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट लैंड रिक्यूमलेशन क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज पे शॉर्ट नोट आएगा, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन लेयर डेप्लीशन, ये सब आ जाएंगे इसमें। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स क्या होता है इसकी केस स्टडी देख लेना, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे उसको पढ़ लेना, कंज्यूमरिज्म क्या होता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ये देखना, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है लॉज ऑफ एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल लॉज में हमारे पास वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट ईयर देखना, एयर पॉल्यूशन एक्ट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तीनों, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट एनवायरमेंटल का भी एक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये चार एक्ट हैं, इन चारों को पढ़ लेना, एयर सभी की ईयर याद रखना और सबको किस तरह के देखते हैं। नेक्स्ट है ई आई ए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका रोल क्या है, ये दोनों जहाँ पे हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उसको अच्छे से पढ़ना बच्चों। और ये तीन जगह मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट फोर ज़्यादा ईजी है, यूनिट फोर में से आपको पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या है इस पॉपुलेशन ग्रोथ के, उसको किस तरह रोक सकते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उसको दोनों को कंपेयर कराते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से फैमिली वेल प्रोग्राम चल रहे हैं और उसका क्या यूजफुल है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, एचआईवी एंड एड्स इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, किस तरह इसको हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स इसकी डेफिनेशन, इसके कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट के चल रहे हैं। नेक्स्ट आएगा रोल ऑफ आईटी का रोल क्या है एनवायरमेंटल ईवीएस से रिलेटेड। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से यही सब, बस यही टॉपिक पढ़ने हैं, पाँच छः टॉपिक हैं, छः टॉपिक ये हैं यूनिट फोर के और 10 टॉपिक ये यूनिट थ्री के हैं, तो ठीक है दोनों को मिला के हमें यही सब तैयार करना है। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और कुछ वीडियोस बनी हुई ईवीएस की प्लेलिस्ट से पढ़ लेना।